लोकसभा चुनाव में हार के बाद शिरोमणि अकाली दल में रार छड़ी हुई है। चंडीगढ़ में प्रधान सुखबीर बादल की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश के 12 संसदीय क्षेत्रों में भारी शिकस्त पर मंथन हुआ। वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व को बदलने के सुर भी सुनाई पड़े। कोर कमेटी की बैठक में बगावत के सुर पार्टी के ही नेता चरणजीत सिंह बराड़ द्वारा प्रधान सुखबीर बादल को लिखी चिट्ठी से उठे। बराड़ ने अपनी चिट्ठी के जरिए सुखबीर बादल से 14 दिसंबर 2024 तक नए प्रधान के चुनाव कराने की मांग की है। तब तक पार्टी के कामकाज और हितों के लिए पंच प्रधानी बनाए जाने की मांग की। इसको लेकर कोर कमेटी के सदस्यों में जमकर चर्चा रही। वहीं कोर कमेटी में लिए गए फैसले के बारे में अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने बताया कि चुनाव में कहां कमी रह गई और हम किस तरह से मजबूत हो सकते हैं, इन्हीं सब चीजों पर बात हुई। आप भी सुनिए दलजीत चीमा ने क्या कुछ कहा। आज इलेक्शन के बाद पहली बार जो श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें एक तो हमने जो पंजाब में जनता ने फतवा दिया उसको खड़े माथे स्वीकार किया। सभी वोटर्स का, पार्टी के लीडर्स का, वर्कर्स का, सारे सहयोगियों का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की। और एक अध्यक्ष जी जो है आने वाले समय में कुछ अलग अलग जो हमारे हलके के इंचार्ज हैं उनसे, बाकी लीडर से इंडिविजुअल मीटिंग भी करेंगे और हम तय तक जाएंगे कि कहां कहां कमी रही, उसको कैसे आगे दुरुस्त करना, ये सारी चीजें जो है डिस्कस की गई। एक कल डिसिप्लिनरी कमेटी पार्टी की दोबारा बनाई जाएगी। कोई भी अगर इलेक्शन की किसी कैंडिडेट की शिकायत है कि किसी ने इलेक्शन में किसी पार्टी कैंडिडेट की मुखालफत की है तो वो कमेटी को रेफर किया जाएगा। उसके ऊपर जो है वो फिर अनुशासनी कमेटी देखेगी कि किसकी गलती है तो क्या उसको करना नहीं। और तो किसी ने जो भी कोई कंप्लेंट होगी किसी भी कैंडिडेट की वो डिसिप्लिनरी कमेटी उसको लुक आफ्टर की। थैंक यू। कोर कमेटी के कुछ सदस्यों ने शियद की लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त का एक कारण गठबंधन से अलग होना भी बताया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो शियद को भाजपा से भी कम वोट मिले हैं, जो कि पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।